में गाइस, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे पर ऐसा मंदिर कहीं नहीं। जी, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर शिव मंदिर नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज़, आप कभी भी मसूरी जाते हो तो यहाँ पर शिव जी के दर्शन करके ज़रूर जाओ भोलेनाथ को याद करते हुए। अंदर जाने से पहले आपको माननी होगी एक शर्त कि आप मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते हो। सो गाइज़, आप लोगों ने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं लोग, बट एक यही मंदिर ऐसा है जहाँ पर चढ़ावा चढ़ाना सख्त मना है। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं अंदर। अंदर आते ही आप लोगों को शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन करने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत मूर्त है भगवान जी की। सो आपको यहीं से जल चढ़ाना है, कहीं बाहर से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा और आगे चलते हैं गाइस। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। सो गाइस, और आगे चलते हैं थोड़ा सा और आपको कराते हैं भोलेनाथ के दर्शन। सो गाइस, देख सकते हो कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है शिव शंभु को, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और बाहर पे दो मूर्त लगा रखी है शिवलिंग, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है और खूबसूरत। सो गाइस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे कि ज्वेलरीज और हाथों के ब्रेसलेट एंड मोतियाँ और भगवान जी की मूर्त, छोटे छोटे मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएगी, अवेलेबल है। तो बाहर से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं और पूजा पाठ की सारी सामग्री आपको यहीं से मिलेगी और बाहर के प्राइस से बहुत ही कम प्राइस में। सो गाइज़, आप सब यहाँ से ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए हर चीज़ अवेलेबल है। भगवान जी की मूर्त भी बहुत सारी मिल जाएगी। तो हर हर शंभु बोलो गाइज, जैसे कि आप लोगों को दर्शन करने को मिल रहे हैं भोलेनाथ के साक्षात। सो गाइज, जल्दी आओ फटाफट। और यहाँ पर देखो कितना प्यारा रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है। सो गाइज, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, मस्त बिल्कुल देखने में। और आगे चलते हैं गाइज, और आपको दिखाती हूँ यहाँ पर रुद्राक्ष की बहुत सारी वेराइटीज़ है जो सब आप ले सकते हो। और देखो कितनी प्यारी प्यारी है, सो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला है। सो गाइज, अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ें आपको नकली मिलती है तो आपको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। सो गाइज, देख सकते हो कुछ तो बात होगी ना, जो इन्होंने इतने वो दे रहे हैं गारंटी। सो गाइज, आ जाओ बाहर को। बाहर आते ही जैसे देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है और देखो कितना बड़ा मंदिर बना रखा है। सो गाइज, आप लोगों को मैंने मंदिर घुमा दिया है। जैसा कि मैंने बताया था, अंदर जाने के लिए माननी पड़ेगी एक शर्त। सो गाइज, आपको पता चल गया होगा कि क्या है शर्त। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और एंड तक देखना। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।